तो चलिए शुरू करते हैं। समय अपनी स्पीड कम करने की बजाय और तेज कर तापसी को उठा के पिंजरे से सटा के और वाइल्ड के साथ इंटीमेट होते हुए बोला, शह अभी नहीं, बटरफ्लाई में अभी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुआ। तापसी भीगी हुई आंखों से, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है, आप बाहर आई आह। समय को देसे उसकी आह से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो वो और तेज होके, नो बटरफ्लाई अब नहीं मुझे, मेरी वाइल्ड नेस को तुम्हें सहना होगा, मुझे रोकने की कोशिश करना छोड़ दो। समय तापसी के बाकी बचे कपड़े निकाल फेंके, खुद की सट भी समय अभी भी नीचे उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। तापसी के अंदर से बाहर निकल समय ने तापसी को ऐसे ही गोद में उठा के कमरे में आ गया। तापसी का पूरा चेहरा समय और खुद की हालत देख लाल हो चुका था, दोनों के ही शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। समय उसके चेहरे को गौर से देख, बेबी अब कैसी शमा, कल से अब तक मैंने तुम्हें और तुमने मुझे पूरी तरह अच्छे से देख लिया है, वो भी बिना कपड़ों के, यहाँ तक मैंने तो अपनी बटरफ्लाई का टेस्ट भी चखा है, अब क्षमा करना छोड़ो और मुझे खुश करो, जैसे मैं करता हूँ तुम्हें ऐसे ही मुझे भी करो, जब तक मैं सेटिस्फाई नहीं होगा मैं अपनी जान को पूरी रात सोने नहीं दूंगा, मुझे और चाहिए एक राउंड, और अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा डेविल तुम्हें रात भर प्यार ना करे तो तुम मुझे पहले ही राउंड में सेटिस्फाई कर दो। तापसी समय की बेशर्मी भरी बात सुन आंखें बरी कर समय को देखने लगी। समय उसकी क्यूट सी आंखें देख स्माइल कर बारी बारी उसकी दोनों आंखों को चूम लिया। तब तक दोनों अपने कमरे में भी आ गए। आते ही समय ने तापसी को बिस्तर पर लेता के बिना देर किए उसके होठों पर किस करने लगा। तापसी कुछ समझ पाती उसे पहले समय पूरी तरह उसके ऊपर था और वो नीचे जल बिन मछली की तरह तड़प रही थी। समय का पूरा वेट मासूम सी तापसी के ऊपर था और समय उसे डीपली किस कर रहा था। ए फ्लैट आगे समय की किस काफी लंबी हो गई। समय करीब 25 मिनट से तापसी को फ्रेंच किस कर रहा था। इस बीच समय ने तापसी को एक बार भी सांस लेने तक का टाइम नहीं दिया। तापसी का निचला होठ बुरी तरह सूज भी चुका था, उसके होठों से खून भी निकल रहा था, फिर भी समय नहीं रुका, वो तापसी को लगातार किस करता रहा। तापसी से जब सहन नहीं हुआ तो उसने समय के निचले होंठ को जोर से काट लिया। समय ने तुरंत तापसी के होंठ को छोड़ दिया। तापसी समय से दूर होते ही लंबी लंबी सांसें लेने लगी, वो काफी तेज तेज सांसें ले रही थी, जिसे उसकी ब्रेस्ट समय के चौड़े सीने से टच हो रही थी। इस वक्त दोनों पूरी तरह नेक्ड थे, दोनों में से किसी ने कोई भी कपड़ा नहीं पहना था। समय तापसी को देख पहले से कंट्रोल से बाहर रहता था, अब तापसी के ऐसे सांस लेने से वो और पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तापसी के उभारों को देख समय बिना वक्त गवाए उस पर तुत पड़ा। तापसी कुछ समझ पाती उसे पहले समय अपना काम करना शुरू कर चुका था। वो उसे कभी किस करता तो कभी सब करता तो कभी बाइट करता। तापसी फिर से तेज तेज मौन करने लगी। समय उसका मौन सुन और तेज सब करने लगा और उन्नति की तेज उसे प्रेस करता। जितना वो वाइल्ड होता तापसी उतनी तेज मौन करती। उसके हाथ अपने आप समय की पिच पर चलने लगे। समय जितनी तेज सक करता उतनी तापसी की पकड़ समय पर कस जाती। इस वक्त तापसी के नाखून समय की पिच को बुरी तरह स्क्रैच कर रहे थे, जिसे समय को तो रिटी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। समय के हाथ तापसी की बॉडी को सहला रहे थे, एक हाथ तापसी की कमर को सहला रहा था तो दूसरा उसके उभारों पर था, जो कभी उसे हल्के से सहलाता तो कभी उसे कसके प्रेस करता। तापसी बुरी तरह नीचे दर्द में तड़प रही थी। समय के इतना वाइल्ड होने से उसे प्यार से ज्यादा दर्द हो रहा था। देसे समय उसे प्यार नहीं सजा दे रहा हो। समय का प्यार उसके लिए कभी सजा से कम नहीं होने वाला था, ये बात वरुण राहुल बहुत अच्छे से जानते हैं। समय दो घंटे तक उसके साथ करने के बाद जब उसका मन पूरी तरह भर गया तब जाके कहीं उसने उसके उभारों को छोड़ा। तापसी के कोलबोन पर बाइट के निशान काफी दिख दिख रहे थे, उसकी दोनों कोलबोन पूरी तरह लाल हो चुकी थी। समय दोनों साइड किस कर नीचे उसके पेट पर आ गया। समय तापसी के पेट पर भी किस लव बाइट करने लगा। समय काफी जोर जोर से बाइट कर रहा था। तापसी से अब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया तो वो जोर जोर से रोने लगी। समय ने जैसे ही उसके रोने की आवाज सुनी उसने सर उठा के उसे देखा। तापसी का पूरा चेहरा रोने से लाल हो चुका था, उसकी दोनों आंखें रोने से सूजी हुई थी, होंठ से अभी भी खून निकल रहा था। गले कोलबोन पर समय के गहरे लव बाइट के निशान बन चुके थे। समय तापसी को एक नजर देखने के बाद उसके ऊपर साइड लेट गया। उसने तापसी को अपने आगोश में समा लिया।
तापसी समय के सिनेमे मुंह छुपा के रो रही थी। समय उसकी पिट से हिला के बोला, शह सोरी जान, आज काफी रुड हो गया, लेकिन क्या करूं बटरफ्लाई, तुम्हें देख मैं अपना कंट्रोल खो देता हूँ। जब भी तुम मेरे सामने होती हो तो मुझे लगता है मैं अपनी बटरफ्लाई को सिने में छुपा के रखूं, उसे दुनिया से दूर रखूं, अपने पिंजरे में कैद। इस सब में मैं अपनी सारी लिमिट भूल जाता हूँ और तुम्हें प्यार के साथ दग भी दे देता हूँ। तापसी रोते हुए बोली, आप बहुत गंदे हो, आप हमेशा मुझे दग देते हो, मैं रुकने को बोलती हूँ फिर भी नहीं सुनते, और मुझे यहाँ 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 बाइट करते हो, यहाँ भी बाइट करते हो और यहाँ भी। तापसी अपने शरीर पर जहाँ जहाँ समय ने बाइट किया था वहाँ पर उंगली दिखा के बोल रही थी। समय उसके हर जगह को देख अपने हाथ से वहाँ पर उंगली फिरा के उसे सहला के बोला, अब इतनी तेज बाइट नहीं करूँगा, लेकिन बटरफ्लाई में तुम्हें प्यार करना कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम पर सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारे हर हिस्से पर मेरा हक है, तुम्हारे जीश्म से लेके तुम्हारी रूह तक पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मेरा जब मन करेगा जहाँ मन करेगा मैं अपनी बटरफ्लाई को प्यार कर सकता हूँ और तुम भी मुझे नहीं रोक सकती। बटरफ्लाई कल तुम्हें मेरे साथ एक बर्थडे पार्टी में चलना है, सो कल रेडी हो जाना और जान वहाँ पर मुझसे एक पल के लिए भी दूर मत जाना। मेरी हर बात अच्छी बच्ची की तरह मानना, वरना तुम समय का वो रूप देखोगी जो देखने से पहले लोग अपनी जान खुद दे देते हैं। समय की धमकी भरी बात सुन तापसी घबरा गई। उसने बिना कुछ बोले उसके सिने पर सर रख आंखें बंद कर ली। समय तापसी के सिर पर हाथ फेर उसे सहलाने लगा। समय तापसी के बालों में हाथ फेरते हुए ऊपर सिलीप को देख मन में आग से मोहब्बत कली है। बटरफ्लाई तुमने दर्द तो तुम्हें सहना होगा ही, ये समय मल्होत्रा की मोहब्बत है, किसी ज्वालामुखी से कम नहीं है। मैं एक आग हूँ जिसमें कोई वजबाट कोई रेहम कोई दया नहीं है। मैं एक ऐसा राक्षस हूँ जिसका दिल सिर्फ एक लड़की के लिए धड़कता है और वो इस वक्त मेरी बाहों में है। तुम इस बेरहम हैवान की सनक हो, उसका जुनून जीत पागलपन हो। तुम जीतना मेरी बात मानोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा बटरफ्लाई, उतना मेरी बटरफ्लाई को कम दर्द होगा। मैं तुम्हें दर्द तो देना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं, जब से मुझे पता चला है कि तुम मेरी बटरफ्लाई हो मैंने खुद को काफी हद तक कंट्रोल करके रखा है, वरना तुम मेरे अंदर की गर्मी कभी सह नहीं पाओगी। मैं तुम्हें किसी और के करीब एक पल के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो लड़का हो या लड़की, वो तुम्हारा भाई हो या कोई भी, मैं तुम पर किसी परछाई तक नहीं पड़ने दूंगा। समय इतना बोल तापसी के सोते हुए चेहरे को देख अजीब तरह मुस्कुराने लगा। समय के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था। समय तापसी को अपने ऊपर पूरी तरह लेता के हल्के से उसके पैरों को अलग कर उसमें अपनी कमर पर लिपट उसे कसके बाहों में भर गहरी नींद में सो गया। बाशु विला साहिन रात के 2 बजे खिड़की से बाहर चांद को देख रही थी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसके पास वाणी खड़ी हुई थी। वाणी साहिन को देख और कब तक ऐसे ही जगने का इरादा है? साहिन चांद को देख कल वो मेरे सामने होगा, मेरे करीब होगा, मैं उसे करीब से देख पाऊंगी, उसे छू पाऊंगी। वाणी उसकी बात सुन अपना सर नामे हिला के गहरी सांस लेके बोली, वो सब कल शाम को होगा, अभी तो सो जाओ वरना तुम्हारे भाई मुझ पर गुस्सा करेंगे। साहिन चांद की ओर देखते हुए अपने हाथ में पके फोन पर समय की फोटो देख के बोली, नींद नहीं आ रही मुझे, अब उनकी बाहों में सोना है, उसको गले लगाना है, उनको किस करना है, उनको खुद को पूरी तरह सौंपना है। वाणी उसकी लास्ट बातें सुन हैरानी से आंखें बरी कर घबराए हुए बोली, साहिन मुझे डर लग रहा है, तू जिस तरह उसे प्यार करती है कहीं ये प्यार तुझे दर्द ना दे, कहीं उनकी लाइफ में पहले कोई और ना हो। और वाणी अपनी बात पूरी कर पाती उसे पहले साहिन गुस्से में चिल्ला के बोली, ऐसा कभी नहीं होगा, मेरे और मेरे समय के बीच कोई नहीं आ सकता, अगर किसी ने आने की कोशिश भी की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, कोई भी मेरे समय और मेरे बीच आने की हिम्मत करेगा मैं उसे जान से मार दूंगी, मेरे और समय के बीच में किसी को नहीं आने दूंगी। समय सिर्फ साहिन बासु का है और उसका ही रहेगा। साहिन का पागलपन देख वाणी को अब डर लगने लगा था, डर किसी और के लिए नहीं उसे साहिन के लिए लग रहा था। साहिन जो किया था उसके बारे में सोच उसे उसकी फिक्र हो रही थी। साहिन ने अपनी जिद पागलपन में काफी लोगों की जान ली थी, बिना किसी गलती के उनको मौत के घाट उतार दिया था। वाणी ने जितना भी वरदान से समय के बारे में सुना था उसे उतना तो पता चल चुका था कि समय कोई मामूली बिजनेसमैन नहीं है। लोग उसे राक्षस हैवान बुलाते हैं, मतलब उसके पीछे जरूर कोई तो बात होगी।
समय से कभी वो मिली तो नहीं है, लेकिन वरदान से उसके बारे में बहुत कुछ सुना है। वाणी साहिन के साथ साथ वरदान के लिए भी डर रही थी, कहीं वरदान को समय कुछ करना दे। अब वाणी का डर सच होगा या फिर समय का हैवानी रूप सने आएगा, वो तो कल ही पता चलेगा। सुबह का वक्त, समय विला। समय अपनी बटरफ्लाई को नाश्ता कराते हुए राहुल वरुण से कुछ बात कर रहा था, या यूं कह लो कुछ ऑर्डर दे रहा था। राहुल जो कि सुबह ही विला लौटा था, आते ही समय का ऑर्डर सुन उसकी आंखें बड़ी हो गई। जैसे अभी बाहर निकल आएगी। तापसी समय की गोद में बैठ राहुल वरुण के चेहरे को देख उसकी नकल कर रही थी। तापसी भी अपने भाई के चेहरे जैसे एक्सप्रेशन बना रही थी, जिसे वो काफी क्यूट लग रही थी। राहुल कभी होठों का पाउट बनाता तो कभी अपनी आंखें छोटी बड़ी करता, कभी मुंह फुलाता तो कभी नजरें रोल करता। वरुण राहुल जीतने मुंह तो नहीं बना रहा था, लेकिन वो भी समय के ओदर से खुश नहीं था। समय उन दिनों से ओदर ही ऐसे दे रहा था। समय तापसी को गोद में लेके उसके बालों में हाथ फेर के उन सबको ओदर देते हुए, वहां राहुल वरुण के साथ राघव भी था, बोला, शाम को हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है, वहां पर तुम तीनों मेरे और बटरफ्लाई के आसपास रहोगे। मेरी बटरफ्लाई पर किसी भी आदमी औरत की परछाई नहीं पड़ने दोगे, वो मेरे करीब होगी लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी बच्ची पर किसी और की परछाई भी पड़े, सिवाय मेरे अलावा कोई भी परछाई मेरी रूह को छुए, यहाँ तक तुम तीनों की भी नहीं। उसे ऐसे प्रोटेक्ट करोगे जैसे किसी कीमती चीज को करते हो, अगर तुम तीनों की जरा सी भी लापरवाही की वजह से मेरी बच्ची पर किसी की इतनी सी भी परछाई पड़ी तो तुम तीनों की वो हालत करूँगा कि तुम तीनों सोच भी नहीं सकते। समय की खुले आम धमकी सुन दो लोगों के चेहरे की हवाया उड़ गई, दोनों ही समय की बात सुन डर गए, सिवाय एक के राघव के। राघव को समय के ओदर से उसकी धमकी से इतना खास फर्क नहीं पड़ा, उसके लिए ये सब नॉर्मल था। उसे समय की धमकी की आदत थी, उसने समय का हर रूप देखा है, वो कब हैवान बनता है वो भी उसे पता है, उसे समय की लिमिट भी पता है, वो समय के साथ पिछले 12 सालों से काम कर रहा है। राघव भी वरुण राहुल की तरह समय का दोस्त है, इसलिए उसे समय की कुछ आदत के बारे में अच्छे से पता है। समय के साथ राघव वरुण राहुल साथ में बड़े हुए हैं। राघव समय के नाना जी के खास आदमी का पोता है। राघव वरुण बचपन से अब तक समय के साथ है, सिवाय राहुल के। राहुल 12 साल का था तब उसे तापसी को लेके समय से दूर जाना पड़ा था, चाहे फिर उसके पीछे कोई भी रीजन क्यों ना हो। राहुल तापसी के जाने के बाद समय पूरी तरह बदल गया, उसकी स्माइल, उसका बोलना, सब कुछ एक पल में बदल गया। जैसे हम जिस समय को आज जानते हैं और जो बचपन में था, उस समय में जमीन आसमान का फर्क हो। तापसी के जाने के बाद समय ज्यादा से ज्यादा पाए बिजनेस में लग गया, उसने हंसना खेलना बात करना सब छोड़ दिया। समय पहले राघव वरुण राहुल को अपना दोस्त मानता था, लेकिन जब से राहुल ने उसे धोखा दिया था, उसे बिना मिले उसकी बटरफ्लाई को चला गया था, उसके बाद से समय को किसी भी रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा। उसके लिए उसी पल सारे रिश्ते खत्म हो गए थे जब तापसी उसे दूर हुई थी, वो चाहे खून के हो या दोस्ती के, एक पल में सब खत्म हो गए। आज समय जैसा भी है, जो भी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आधा कसूर राहुल का है और बाकी का किसी और का है, जिसने समय को ये बनने का रास्ता दिखाया था। अब वो कौन है वो तो आगे पता चलेगा, सारी चीजें एक एपिसोड में नहीं खुलेगी। कहानी में आगे, वरुण राहुल दोनों के लिए समय की धमकी नहीं थी। वरुण समय का दोस्त था, लेकिन वो उसके साथ इतना वक्त नहीं रहा था। राहुल के जाने के बाद समय ने वरुण राघव को भी खुद से दूर कर दिया था। राघव समय से दूर जाने की बजाय उसका असिस्टेंट बन उसके आसपास रहने लगा, जिसमें समय के नाना जी ने राघव की मदद की थी अपने पोते की सेफ्टी के लिए। समय तीनों को घुर के इक्वल्स, अब क्या ऐसे ही खड़े रहोगे या पार्टी में जाने की तैयारी भी करोगे। समय की आवाज सुन तीनों अपनी सोच से बाहर आके अपना सर हमें हिला के वहां से चले गए। शाम का वक्त, बासु विला। पूरा विला ब्लू ब्लैक थीम से डेकोरेट किया गया था। आज की पार्टी का थीम भी ब्लैक था, आज का ड्रेस कोड भी ब्लैक रखा गया था, जो साहिन ने समय की पसंद को सोच के रखा था। साहिन ने अपने भाई वरदान से समय की कुछ पसंद ना पसंद के बारे में जानकारी ले ली थी, जिसके अकॉर्डिंग उसने पूरी पार्टी की तैयारी करवाई थी। जैसे कि समय को क्या पसंद है, उसको कौन सा कलर पसंद है, वो कौन सी शराब पीता है, उसे कौन से गेम पसंद है, वो कैसे बात करता है, उसे कैसी लड़कियां पसंद है, वगैरह वगैरह।
वरदान ने अपनी बहन के लिए समय के बारे में जितना उसे पता था वो सब बता दिया। जैसे उसे हमेशा ब्लैक कपाओ में देखा है, उसे कौन सी शराब पसंद है और वो कैसे खेल खेलना पसंद करता है। वरदान ने लड़की ओ के बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे खुद पता नहीं था कि समय को कैसी लड़की पसंद है। वधान समय का राइवल था ना कि दोस्त, इसलिए उसे बिजनेस की बातें पता थी ना कि समय की। पर्सनल समय के बारे में पता लगाने इतना भी आसान नहीं था। वधान पिछले 15 सालों से समय की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसे अब तक कुछ भी खास पता नहीं चला। उसके पास सिर्फ समय के एक दो बिजनेस के बारे में इन्फॉर्मेशन थी, वो भी इतनी जितनी बाकी सब बिजनेसमैन के पास है। समय के अंदर ग्राउंड कसीनो के बारे में, उसके कसीना होने के बारे में, यहाँ तक उसके उस होटल के मालिक होने के बारे में भी कुछ ही लोगों को पता था। वधान ने भी वही बातें साहिन को बताई थी जो उसने खुद देखी थी। साहिन ने पार्टी की तैयारी भी कुछ ऐसे ही करवाई थी, कुछ चीजें वधान के मुताबिक रखवाई थी और कुछ अपने मुताबिक। साहिन ने गेम भी ऐसे ऐसे पसंद किए थे कि कोई सोच भी नहीं सकता। पार्टी में गेस्ट आना शुरू हो चुके थे। वधान और उसका असिस्टेंट हामिद पार्टी में आए गेस्ट से बात कर रहे थे। वधान ने ब्ले थ्री पीस बिजनेस सूट पहना था, उसके मैचिंग की अब सोल्डर ड्रेस वानी ने पहनी हुई थी। वानी इस वक्त साहिन के साथ थी। वधान काफी हैंडसम स्मार्ट गुड लुकिंग लग रहा था। उसका ओरा पार्टी में आए हुए सारे बिजनेसमैन से अलग था। पार्टी में आई हुई काफी लड़की या वधान को देख अपनी लार टपका रही थी। कुछ लड़की या बिजनेसमैन की बेटी थी तो कुछ उनकी मिस्ट्रेस। वधान का असिस्टेंट हामिद वधान के पास आके, सर अभी तक मिस्टर मल्होत्रा नहीं आए और सब मैडम के केक कटिंग की बात कर रहे हैं। वधान एक नजर साहिन को देख सबको इंतजार करने को बोलो, जब तक वो नहीं आता तब तक पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे उसके लिए मुझे उस इंसान के आगे सर ही क्यों ना झुका ना पड़े। हामिद वधान की बात सुनहा में सर हिला के वहां से चला गया। पार्टी की बर्थडे गर्ल साहिन भी पार्टी में आ चुकी थी। उसने ब्लैक ग्राउन पहना था, ग्राउन काफी डिप गले था, उसकी ड्रेस पीछे से भी काफी डिप थी। ग्राउन के एक साइड बड़ा सा कट था जिसमें से साहिन की गोरी लंबी टांग साफ नजर आ रही थी। पूरी ड्रेस ब्लैक थी जो साहिन के गोरे रंग पर काफी जच रही थी। साहिन काफी हॉट थी, उसका फिगर किसी भी लड़के को अपना दीवाना बनाने के लिए काफी था, लेकिन हमारी तापसी से कम। हमारी तापसी की आंखें ब्लू थी किसी गहरे समुद्र की तरह। उसका रंग दूध पे आई हुई मलाई जैसा था। उसकी स्किन इतनी सॉफ्ट थी कि समय के जरा सा छूने से उसकी स्किन लाल पड़ जाती। हमारी तापसी बिना मेकअप के भी काफी क्यूट प्यारी लगती है। तापसी की स्किन उसे बाबीगर्ल की तरह बनाती है। उसका फिगर समय को हमेशा उसके लिए पागल बनाता था। जबकि साहिन ने आज फुल मेकअप किया हुआ था, उसने मेसी बालों को हल्का कलर कर खुला छोड़ दिया था। हाई हील गले में डायमंड नेकलेस ब्लैक डिपनेक गाउन से वो खुद के फिगर को दिखा रही थी। वो आज स्पेशली समय को सिड्यूस करने के लिए ऐसे तैयार हुई थी। साहिन अपनी कुछ दोस्तों के साथ खड़ी होके बात कर रही थी। उसके पास वानी खड़ी हुई थी। वानी ने साहिन का बैग पकड़ रखी थी। उसी वक्त पार्टी में हलचल होने लगी। वहां आए हुए सारे गेस्ट गेट की ओर देखने लगे। उनमें से एक लड़की चिल्ला के बोली, वह माय गॉड मिस्टर समय मल्होत्रा यहाँ। लड़की काफी जोर से बोली थी जिसकी आवाज साहिन के कानों पर गई। समय का नाम सुनते ही साहिन के गाल लाल हो गए, उसके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। दूसरी लड़की समय को देख अपने दिल पर हाथ रखवा, ऊही सो हॉट यार, ये तो टीवी फोटो से ज्यादा रियल में होट लगता है। मैंने इनकी फोटो मैगजीन में देखी थी, उसमें ये हद से ज्यादा डेसिग लग रहे थे। ये सच में एक मिस्ट्रियल मेन है। मैंने जब डेट से इनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया था कि वो कया एशिया का कोई अभी बिजनेसमैन, उनसे दुश्मनी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उनका नाम काफी बड़ा है, उसने अंधवर्ल्ड तक डरता है। साहिन को दूसरी लड़की की बात सुन काफी तेज गुस्सा आया लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इस वक्त वो कोई अभी गलती नहीं करना चाहती थी। वो समय के आगे अपनी पहली इम्प्रेशन खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने लड़की बात इग्नोर कर दी। पहली लड़की फिर से बोली, हाँ वो तो है, इनकी कहीं पहचान है, कुछ सामने है तो कुछ चेहरे के पीछे, लेकिन ये इनके साथ लड़की कौन है? दूसरी लड़की, हाँ यार ये लड़की कौन है, मैंने पहली बार इनको किसी लड़की के साथ देखा है, देख तो वो कैसे हमारे समय से चिपक कर खड़ी है।
तीसरी लड़की अंदर ही अंदर जलते हुए बोली, हाँ यार देखना लड़की हमारे समय के कितने करीब है, खड़ी है। एक लड़का उन लड़कियों की बात सुन थोड़ा धीरे बोलो वरना यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगी, भूलो मत तुम लोग जिसकी बात कर रही हो वो कोई मामूली आदमी नहीं है, और अगर उसके साथ कोई लड़की है तो वो भी कोई खास होगी, उसके बारे में कुछ भी गलत बोलने से पहले एक बार आसपास देख के बोलना वरना नरक से बुरी मौत वो देगा और तुम लोगों के बाप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। लड़के की बात सुन तीनों लड़की की बोलती बंद हो गई। सब समय के साथ आई हुई लड़की यानी तापसी को घूर घूर के देखने लगे। तापसी के चेहरे पर मास्क लगा हुआ था, सिर्फ उसकी ब्लू आईज दिख रही थी। साहिन भी पीछे मुड़ समय और तापसी को देखने लगी। जहां समय को देख उसकी आंखों में चमक थी तो वही तापसी को देख उसकी आंखें गुस्से जलन में लाल हो गई थी। समय तापसी को लेके अभी भी बासुविला में एंट हुआ था। उसके आगे पीछे साइड में समय के बेस्ट ट्रेन गाद थे। समय तापसी से दो कदम की दूरी पर राघव वरुण राहुल खड़े थे। साहिन भी पीछे मुड़ समय और तापसी को देखने लगी। जहां समय को देख उसकी आंखों में चमक थी तो वही तापसी को देख उसकी आंखें गुस्से जलन में लाल हो गई थी। समय तापसी को लेके अभी भी बासुविला में एंट हुआ था। उसके आगे पीछे साइड में समय के बेस्ट ट्रेन गाद थे। समय तापसी से दो कदम की दूरी पर राघव वरुण राहुल खड़े थे। समय ने ब्लैक शर्ट ब्लैक जींस ब्लैक ब्लेजर पहना हुआ था। शर्ट के ऊपर के तीन बटन खुले हुए थे जिसमें से उसकी मस्क्यूलर चेस्ट साफ दिख रही थी। उस पर बना इगला का टैटू उसे और भी अट्रैक्टिव बना रहा था। तापसी ने समय से मैचिंग ब्लैक फुल लेंथ ग्राउन पहना हुआ था जो समय की उसके लिए लाया था। ग्राउन कहीं से भी खुला हुआ नहीं था, ना ही उसका गला कहीं से भी डिप था, ना ही उसकी लेंथ छोटी थी, उसकी स्लीव भी फुल थी। ग्राउन तापसी की बॉडी पर पूरी तरह फिट आ रहा था। उस ग्राउन में तापसी का फिगर अच्छा लग रहा था। हाँ वो बात अलग है कि वो कहीं से रिवेलिंग नहीं था, फिर भी तापसी उसमें काफी हॉट लग रही थी। तापसी उस ग्राउंड में काफी प्यारी क्यूट सी बच्ची लग रही थी। जैसे एक रॉयल गर्ल तापसी पर ब्लैक रंग काफी जच रहा था। समय का एक हाथ तापसी की कमर पर था तो दूसरा जेब में। समय के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, उसका चेहरा इमोशनलेस था। तापसी की पलकें झुकी हुई थी, उसने समय के कोट को मुट्ठी में भरा हुआ था। तापसी ने बिल्कुल लाइट मेकअप किया था जो खुद समय ने अपने हाथों से किया था। तापसी को ग्राउंड पहनाने से लेके मेकअप तक समय ने खुद किया था। वधौन समय के साथ लड़की को देख अपनी बहन को देखने लगा जो उसे कुछ कदमों की दूरी पर खड़ी थी। वानी साहिन से एक कदम की दूरी पर खड़ी थी। इस वक्त वो काफी डरी हुई थी। उसने जो सोचा था वो सच हो रहा था। समय के जिंदगी में पहले से एक लड़की है, अब उसे अपनी दोस्त साहिन के लिए काफी बुरा भी लग रहा था और उसे कहीं ज्यादा डर भी लग रहा था। वधौन अपनी बहन से नजरें हटाके समय के पास जाते हुए बोला, वेलकम टू माय विला मिस्टर मल्होत्रा। वधौन समय के करीब जा पाता उसे पहले समय के आदमी ने उसे समय से 10 कदम की दूरी पर रोक दिया। वधौन अपने विला में ऐसे अपनी बेइज्जती होते देख गुस्से में हाथों की मुट्ठी कसली। उसे इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे समय ने उसकी बेइज्जती की हो। समय तापसी की कमर पर अपने हाथ की पकड़ कसके वधौन की ओर देख बोला, अमम तो ये तुम्हारा विला है अमम। नाइस, अच्छा है, अगर तुम बताते नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये तुम्हारा विला है। मुझे तो लगा था ये मिस्टर बाशु का कोई होटल है जहां पर मिस्टर बाशु ने अपनी बहन की बर्थडे पार्टी रखी हुई है। वैसे आपके न्यूक वाले होटल और इस विला की थीम काफी सेम है। दोनों को देख कोई बता नहीं सकता कि कौन सा विला है और कौन सा होटल। समय ने वधौन की बात का जवाब तंज भरी आवाज में दिया। जैसे समय वधौन के विला का मजाक उड़ा रहा हो। वधौन अपनी बेइज्जती होते देख गुस्से में अपनी हाथों की मुट्ठी और कसली जी से देख समय के चेहरे पर रिवल स्माइल आ गई। वधौन नकली स्माइल कर, अब ये तो लोगों के देखने का नजरिया है मिस्टर मल्होत्रा। लोग विला को होटल की नजरों से देखे या होटल को विला की नजरों से, ये तो उनकी सोच है। हम जैसे बिजनेसमैन कहा सबकी सोच बदल सकते हैं। अब आप खुद को ही देख लीजिए। आप जैसे इतने बड़े बिजनेसमैन मेरे विला को होटल समझ बैठे तो दूसरों की क्या ही बात करना। वधौन ने समय की बात का जवाब उसकी ही भाषा में देते हुए कहा। समय पर वधौन की बात का कुछ खास असर नहीं हुआ। समय हल्की सी स्माइल करिए तो तुमने बिल्कुल सही कहा है। होटल का थीम राजस्थानी रखो और उसी थीम को विला में भी करवाओ। इसे काफी पैसों बचत होती होगी, इसलिए आप जैसे
बिजनेसमैन पैसों की बचत करने के लिए एक्टिम को दो जगह यूज कर लिया, क्यों सही कहा ना मैंने। समय ने इस बार वधौन पर डायरेक्टर वार करते हुए कहा। समय की इस बात पर वधौन का पूरा चेहरा काला पड़ गया। समय वधौन की कोल्ड वॉर देख वह आए सारे गेस्ट दो कदम पीछे हो गए। वह आए सारे बिजनेसमैन को पता था वधौन समय को अपना राइवल मानता है। वधौन इवल स्माइल कर समय की बात का जवाब देते हुए बोला, हाँ बिल्कुल, हम बिजनेसमैन अपने एक एक पैसों का हिसाब रखते हैं। हमने एक एक पैसा खुद की मेहनत से कमाया है, ना कि कोई गलत काम करके। वधौन के गलत काम करने का सीधा मतलब समय के काम से था। समय भी उसका मतलब साफ समझ रहा था, फिर भी उसके चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं बदले। समय के पीछे खड़ा राघव वधौन समय का कोल्ड वो देख वरुण राहुल से बोला, ये लंगूर की दुम हर बार बोस के रास्ते में आ जाता है। बोस जो भी प्रोजेक्ट में टेंडर भरेगी ये भी उसी में टेंडर भरेगा और ऐसे दिखाएगा देसे बोस जान बुझ के उसके रास्ते में आ रहे हैं, मैंने बोस से कितनी बार कहा। वरुण राघव की बात सुन उसके कंधे पर हाथ रख, रिलैक्स यार, ये चूजे हमारे शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। हमारा समय बबर शेर है और उसके सामने वधौन देसे चूहे आते जाते रहते हैं। समय के सामने हमारी हालत चूहे जैसी हो जाती है, तो ये का चिज है। राहुल वरुण की बात में आगे बोला, वो शेर नहीं राक्षस है जो लोगों का खून पीके जीता है, उसके सामने ये बाशु देसे लोगों कहा तिकने वाले है। राघव वरुण राहुल की बात सुन स्माइल कर समय वधौन का कोलवो देखने लगा। समय तापसी को अपने पीछे कर अपने बोधीगादर को वधौन को आने देने का इशारा किया। समय का इशारा मिलते ही समय के गादोस अपने आप पीछे हो गए। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। सो अभी कहानी जारी रहेगी, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।